हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का होम कुकिंग चैनल पर स्वागत है। आज मैं ले गई बहुत ही मजेदार नाश्ता। इसके सामने कचौड़ी समोसा सभी फेल है। टाइम को ना गवाते हुए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे लिए 3 उबले हुए आलू। आलू को उबाल के इनका छिकल निकाल दिया है। थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ, 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। पहले इस नाश्ते के लिए मसाला बना लेते हैं। यहाँ पे लेंगे मिक्सी का ग्लास, इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया साबुत, 1 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच जीरा। इसका ढक्कन लगा के इसको दरदरा पीस लेंगे। मसाले को दरदरा पीस लिया है। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। अब नाश्ते के लिए स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। इसे एक साइड रख लेते हैं। अब लेंगे कोई कढ़ाई, इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया, जो हमने मसाले पीसे हैं उसे डाल देंगे और इस मसाले को हल्का सा भून लेंगे। ज्यादा नहीं भूनेंगे, हल्का सा ही भूनेंगे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट हो गए और मसाला भी भून गया। अब इसमें हरी मिर्च और अदरक डाल देंगे और हरी मिर्च और अदरक को भी हल्का सा भून लेंगे। अब इसमें कुछ मसाले डालते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक गिरेंगे स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और इनको भी हल्का सा भून लेंगे। यहाँ पे हल्के से भून गए। अब इसमें अपने आलू डाल देंगे। आलू को हाथ से मैश कर ले या फिर कद्दूकस भी कर ले। ये हो गया यहाँ पे मिक्स। इसमें डालेंगे बारीक कटा धनिया पत्ती और थोड़ा सा डालेंगे पुदीना, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपके पास हो तो डालें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। और इन सबको मिक्स कर देंगे। ये हो गई यहाँ पे मिक्स। वाओ, स्टफिंग कितनी बढ़िया बनी है। इसमें से इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप इसको ट्राई करोगे, जब आपको पता चल जाएगा कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से। और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, इस चीज में कंजूसी ना करें। और मैंने अपने चैनल पे बहुत ही नई नई वीडियो डाली है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और बातें करते करते भी स्टफिंग हो गई रेडी। इसे गैस कर देंगे बंद और इसे प्लेट में निकाल लेंगे। स्टफिंग हो रही है ठंडी, इतने दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पे लेंगे कढ़ाई, इसमें डालेंगे 2 कटोरी पानी। अब इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच डालेंगे नमक, 2 चम्मच तेल। यहाँ पे इन सबको मिक्स कर देंगे और पानी में हल्का सा बॉईल ले लेंगे। पानी में आ गया बॉईल। जिस कटोरी से हमने पानी डाला है उसी कटोरी से 1 कटोरी हमें सूजी डालनी है। इसे अच्छे से चलाएंगे जिसमें एक भी गुठली लम्स ना पड़े। ऐसी गैस लो टू मीडियम रखें। यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और देखिए एक भी गुठली और लम्स नहीं है इसमें। जैसे जैसे हम सूजी को चलाते हुए पकाएंगे ऐसे ही सूजी टाइट होना स्टार्ट हो जाएगी। सूजी भी यहाँ पे पक गई। और इसे किस तरह से चेक करें ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए किस तरह से कंबाइन हो रहा है, एक डो फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब हमारी सूजी एकदम परफेक्ट पकी है। ऐसे गैस कर देंगे बंद और इसे कुछ देर के लिए कवर करके इसी तरह रख देंगे और फिर उसे प्लेट में निकाल लेंगे। स्टफिंग ठंडी हो गई है। अब इसमें से छोटे छोटे रोल बनाते हैं हम। छोटा सा पोर्शन लेंगे और अब इसको रोल कर देंगे, थोड़ा सा लंबा कर देंगे। ये देखिए मैंने इसे लंबा कर दिया है। अब इसे रखते हैं एक साइड और दूसरा रोल बनाते हैं। पहले लेंगे थोड़ा सा पोर्शन, लंबा शेप देते हैं और इसे भी लंबा रोल कर लिया है, ये देखिए। और इसी तरह हम सभी को रेडी कर लेंगे। मैंने यहाँ पे सभी रोल्स रेडी कर लिए हैं और ये 9 रोल्स बने हैं। और सूजी वाला डो है उसे देख लेते हैं। सूजी वाले डो को मैंने प्लेट में निकाल दिया है और कुछ देर के लिए ठंडा कर लिया है। अब हाथों पे हल्का सा ऑयल या फिर घी लगा लेंगे और इसे 1-2 मिनट के लिए मसल लेंगे। सूजी जब ठंडी हो जाए, जब भी उसे मसलना स्टार्ट करें, अगर सूजी गर्म होगी तो हाथ जल जाएंगे। 2 मिनट के लिए मैंने यहाँ पे सूजी को मसल लिया है और फिर से हाथों पे ऑयल या फिर घी लगाएंगे। और इसमें छोटी छोटी बॉल्स हम रेडी करते हैं, जैसे हम कचौड़ियों के लिए बॉल्स रेडी करते हैं सेम ऐसे हमें रेडी करनी है। रोल हमारे 9 बने हैं तो ये लोई भी हमें 9 बनानी है, ये देखिए। और इसी तरह से हम सभी को रेडी कर लेंगे। मैंने यहाँ पे सभी बॉल्स रेडी कर लिए हैं। अब इसमें से एक बॉल ले लेंगे। अब इस तरह कोई पोलोथीन लेंगे,
मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिए। आप दूध की पॉलिथीन भी ले सकते हैं और दोनों पिन्नियों पे हल्का हल्का ऑयल लगा के ग्रीस कर लेंगे। जो लोई हमने रेडी करी है उसे बीच में रखेंगे और दूसरी पिन्नी को इसके ऊपर रखेंगे, ऐसे हल्का सा प्रेस कर देंगे और अब बेलन से इसे हल्का हल्का बेलेंगे और हल्के हाथ से बेलेंगे घुमा घुमा के चारों तरफ से। मैंने इसे बेल लिया है और देखिए इसे ज्यादा बड़ा भी नहीं बेला है। और ऊपर वाली पिन्नी इसकी हटा देंगे और जो साइड की किनारी फट रही है इसकी कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमने रोल्स रेडी करे उसे एक साइड रखेंगे, ये रख दिया, और एक साइड से पिन्नी उठाएंगे, इसे इस तरह से बंद कर देंगे, इस तरह से हल्का सा दबा देंगे, पिन्नी हटा देते हैं और साइडों में से भी इस तरह से हम बंद कर देंगे पिन्नी उठा के, ये देखिए, और हल्का सा दबा देंगे और दूसरी साइड से भी उठा के इस तरह से बंद कर देंगे और हल्का सा दबा देंगे इस तरह से, और एक साइड से उठा के इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे, दबाते हुए फोल्ड करेंगे, पिन्नी उठाते हुए आगे की तरफ फोल्ड करते रहेंगे इस तरह से, और इसे हल्का सा दबा देंगे, यहाँ पे फोल्ड हो गया, और इसे एक बार हल्के हाथ से इस तरह रोल कर देंगे जो लास्ट वाला पार्ट है वो चिपक जाए। इसे हल्का सा रोल कर दिया और देखिए कितना परफेक्ट बना है। और इसे प्लेट में रख देते हैं। दूसरी वाली बॉल लेंगे और इसके ऊपर दूसरी वाली पिन्नी रख देंगे और इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे और बेलन से इसे बेल लेंगे, ज्यादा नहीं बेलेंगे, हल्का ही बेलेंगे, घुमाते हुए चारों तरफ से बेलेंगे। मैंने इसे बेल लिया है और ऊपर वाली पिन्नी इसकी हटा देंगे। अब एक रोल इसके एक साइड रखेंगे इस तरह से, पिन्नी उठाते हुए इसको रोल कर देंगे, पहले एक साइड से दबाएंगे इस तरह से, अब साइड में से उठा के इसको फोल्ड कर देंगे और हल्का सा दबा देंगे, और दूसरी साइड से भी उठा के इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे, एक साइड से पिन्नी उठा के इसको रोल कर देंगे, पिन्नी हटाते हुए रोल करेंगे इसको और हल्के हाथ से इसे दबाते रहेंगे। आपने स्प्रिंग रोल बहुत तरीके से खाए होंगे पर इस तरह से बना के देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। यहाँ पे रोल हो गया और हल्के हाथ से इसे रोल कर देंगे इस तरह से, जो लास्ट वाला पार्ट है वो चिपक जाए। लास्ट वाला पार्ट भी चिपक गया और देखिए कितने शानदार बने हैं। इसी तरह हम सभी को रेडी कर लेंगे। मैंने यहाँ पे सभी रोल्स रेडी कर लिए और देखिए कितने मज़ेदार लग रहे हैं, एकदम यम्मी यम्मी। अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। अब लेंगे एक कढ़ाई में तेल, तेल को गरम कर लेंगे, तेल हो गया गरम, इसमें अपना नाश्ता डाल देंगे, एक बार में जितना जाए उतना डाल देंगे। इन्हें कुछ देर के लिए इसी तरह सेकने देंगे और इन्हें फिर पलटेंगे और दूसरी साइड से सेक लेंगे, और इसकी गैस मीडियम टू हाई रखेंगे। ये एक साइड से हल्के हल्के सिकना स्टार्ट हो गए हैं, अब इनको पलट देंगे, ये पलट दिए, और इस साइड से भी अच्छी तरह से सेक लेंगे। और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करें, इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। ये नाश्ता खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है। दोनों साइड से अच्छी तरह सेक लेंगे जब तक इसका कलर गोल्डन कलर का ना हो जाए। दोनों साइड से इन पे कलर बहुत बढ़िया आ गया है, गोल्डन कलर पे आ गए, ये देखिए वाओ कितने परफेक्ट लग रहे हैं और कितने मजेदार लग रहे हैं। ये नाश्ता हमारा बनके हो गया रेडी। अब इसको निकाल लेते हैं और बाकियों को भी हम इसी तरह सेक लेंगे। ये नाश्ता बनके हो गया रेडी, इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। इस नाश्ते को अपने गेस्ट को सर्व करोगे तो वो आपकी तारीफ करते करते थकेंगे नहीं, अब वो आपकी पीठ पीछे भी तारीफ करेंगे। ये नाश्ता इतना टेस्टी है और देखिए नाश्ता कितना मजेदार लग रहा है। इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।